कोरोना संकट के बीच हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र 18 सितंबर तक चलेगा। सत्र में इस बार 10 बैठकें होंगी। कोरोना के चलते विधानसभा परिसर में कम भीड़ जुटे, इसके लिए इस बार पास में कटौती करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही फरियादी भी इस बार विधानसभा सत्र के दौरान नहीं जा सकेंगे। मंत्रियों और विधायकों को भी कम स्टाफ लाना होगा। पहले 1800 और 2000 के लगभग पासिस यहां पर जारी किए जाते थे। हम कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम किया जाए और कम से कम यानी सत्र ठीक ढंग से चले जी। और कई बार सत्र के समय कई प्रकार की जानकारियां विभाग के द्वारा मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए होती हैं, तो उन परिस्थितियों में तो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, परंतु कोशिश रहेगी कि संघ कम से कम यहां पर हाजिरी हो, संख्या निर्धारित करें। सर, मंत्रियों के स्टाफ को भी कम करने की बात कही जाए? हाँ, मंत्रियों के स्टाफ से भी मैं माननीय विधायक और मंत्रियों से भी यही कहूंगा कि वो अपने पीएसओ, अपने पीए, वो अपने आवास पर ही छोड़ करके आए ताकि यहाँ पर मूवमेंट कम हो। मानसून सत्र को लेकर प्रेस गैलरी की बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विधानसभा की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। क्या बोले विधानसभा अध्यक्ष, जानिए। विधानसभा की पूर्ण होंगी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, कोरोना से संबंधित आपने प्रश्नों की जानकारी लेनी चाहिए है, तो एक तो हम पूरे विधानसभा परिसर को सैनिटाइज दो समय किया करेंगे। वहीं पर जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं वहां पर हम स्वचालित जो सैनिटाइज मशीन्स हैं, जो पैरों के द्वारा चलती है, हर प्रवेश द्वार पर लगाएंगे। हर विधायक को, मंत्री को हम उनके घर पर मास्क भिजवाएंगे और हम पत्रकारों को भी मास्क देंगे, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं। और थर्मल स्क्रीनिंग की भी हर गेट के ऊपर रहेगी और हम विधायक जहां पर बैठते हैं वहां पर एक ट्रांसपेरेंट शीट भी लगाएंगे। कुल मिलाकर के जो आगंतुक बाहर से आते हैं या कई बार प्रतिनिधि मंडल आते हैं, सरकार से मिलने के लिए लोग आते हैं, उनसे विशेष गुजारिश रहेगी कि इस सत्र में, इस परिसर में ना आए। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी कम से कम संख्या में आए। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।